तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दी आपको, पहलवानों संघ बातचीत के लिए सरकार तैयार। बड़ी खबर, खेल मंत्री ने बातचीत का न्योता भेजा है पहलवानों को, अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर न्योता दिया है। तो बड़ी खबर, हमने उन्हें एक बार फिर बुलाया है खेल मंत्री की तरफ से बयान। यहां पर शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे पहलवान। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श रबा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, अब सरकार की तरफ से बुलावा पहलवानों को भेजा गया है बातचीत के लिए? देखिए बिल्कुल, ये अब बड़ी खबर है, खेल मंत्री की तरफ से खुद ये बुलावा जो है पहलवानों को जो है दिया गया है। बड़े दिनों बाद ये एक कहें कि फॉर्मल इनविटेशन देखने को मिलता हुआ नजर आया है कि सरकारी जो महकमा है या फिर खेल मंत्रालय है उसकी तरफ से जो है सीधे तौर पर बातचीत के लिए जो है बुलाया गया है। वैसे में अब पहलवानों की तरफ से क्या रुख जो है इस इनविटेशन का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। अनुराग ठाकुर की तरफ से खुद ट्वीट करके कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो जो है पहलवानों से बातचीत करने के लिए जो है तैयार है, उनके मसले जो है डिस्कशन करने के लिए तैयार है, इसलिए एक बार फिर से पहलवानों को जो है मैं आमंत्रित करता हूं बातचीत के लिए। तो ऐसे में अब पहलवान किस तरीके से इस बातचीत का जो न्योता आया है उसको स्वीकार करते हुए नजर आएंगे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात है वो इन पहलवानों की होती हुई नजर आई थी, और उसके बाद कई बड़ी बदलाव देखने को मिलते हुए नजर आए थे, जिसमें पहलवानों ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि जो प्रोटेस्ट है, जो उनकी मांग है, वो एज इट इज जो है करते रहेंगे, लेकिन अब ये न्योता जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई एक तरफ चलती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अब सरकार भी ये देख रही है कि क्या किसी तरीके से जो है रास्ता निकाला जा सकता है, इसलिए बातचीत जो है होती हुई जो है नजर आनी चाहिए। लेकिन स्पर्श, इससे पहले भी खेल मंत्री के साथ और खेल अधिकारियों के साथ, जो मंत्रालय के खेल अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है, हालांकि वो भी नतीजा रही उसके बाद जो काफी समय तक इनका प्रदर्शन चला और जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। लेकिन अब जिस दिशा में, क्योंकि खासकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ये सारा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, अब तो अब जिस दिशा में यहाँ पर बात चल रही है, क्या सकारात्मक दिशा दिख रही है इस बातचीत की? देखिए हम ये जानते हैं कि इससे पहले भी इस तरह की बैठकें होती हुई नजर आई थी केंद्रीय जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ में, और लंबी बैठकें हुई थी, उसके बाद कमेटीज भी बनाई गई थी, कमेटीज में सबने अपने बयान जो है वो दर्ज किए थे। हालांकि पहलवान उस कमेटी को लेकर भी बाद में नाराज जो है कहीं ना कहीं नजर आए थे, लेकिन अब चूंकि कई परिस्थितियां बदली हैं, पहलवानों ने जो है गृह मंत्री से मुलाकात के बाद एक रुख अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो उनका हल्का होता हुआ नजर आया, जिसमें वो नौकरी ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद जो 9 तारीख को वापस दिल्ली आने की कॉल थी वो फिलहाल जो है वापस जो है ले ली जाती है, तो तमाम तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है बदली हुई नजर आई है। तो अब ये जो मुलाकातें होंगी उसमें किस तरीके की बातें होती हुई नजर आएंगी, क्या पहलवान मान जाते हैं, क्योंकि पहलवानों की एक मुख्य मांग है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी कानून की कार्रवाई के तहत होती हुई नजर आएगी, तो ऐसे में किस तरीके का रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।